फ्रेंड्स, पेट की समस्याओं में गैस की समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी है। कहने के लिए तो ये सिर्फ दो अक्षर का शब्द है। गैस शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकती है। कई बार ज़्यादा गैस बनने के कारण से चक्कर आते हैं, सिर दर्द होने लगता है, कभी कभी गैस के कारण से पीठ में भी दर्द होने लगता है। फ्रेंड, गैस से 100 से भी ज़्यादा रोग होते हैं, जिसमें कुछ हैं एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, भगंदर आदि। मैंने यहाँ पर आपको गैस से होने वाले कुछ रोग बताए हैं। यदि मैं आपको सारे रोग गिनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि किसी को भी गैस की समस्या है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए। गैस बनना जब स्टार्ट होती है तो पेट भरा भरा लगता है, खट्टी खट्टी टकारें आती हैं, मुंह में खट्टा खट्टा पानी आ जाता है। पेट में गैस की समस्या शुरू होते ही हमें इसका उपचार कर लेना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ पुरानी से पुरानी गैस को भी खत्म करने के लिए बहुत ही इजी सी रेमेडी शेयर करूंगी। इस रेमेडी को हम घर के ही मसाले से बनाकर तैयार करेंगे। सभी मसाले हम लोग घर में हर समय रखते ही हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे किचन में जितने भी मसाले होते हैं सभी में कुछ न कुछ औषधीय गुण होते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं हमारा किचन एक औषधीय खाना भी है। सिर्फ ज़रूरत है हमें मसालों के गुण को जानने की। गैस के लिए आपके साथ मैं ये जो रेमेडी शेयर करूँगी इसे आप एक साथ बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आपको इसे बार बार तैयार नहीं करना है। गैस को दूर करने के लिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1/4 कप अजवाइन। आप इस रेमेडी को ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अजवाइन होती है ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है, क्योंकि गैस बनने का मुख्य कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के कारण ही गैस बनना शुरू होती है। यदि आप रेगुलर अजवाइन खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो गैस भी नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, अजवाइन से जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें लेना है एक पैन, और इस पैन में अजवाइन को ऐड करके बिल्कुल लो फ्लेम पर करीब 30 से 40 सेकंड तक रोस्ट करना है। अजवाइन को हमें ग्राइंड करना है, इसीलिए इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। अजवाइन को रोस्ट करने से एक तो इसका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाएगी। यहाँ पर हमें अजवाइन को बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है। इसे ज़्यादा देर तक रोस्ट करने से इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, इसीलिए इसे सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रोस्ट करके लेना है। करीब 40 सेकंड तक मैंने अजवाइन को रोस्ट कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अजवाइन अब थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। जब ये हल्की सी गर्म हो तभी आप इसे ग्राइंड कर लेना, तब ये बहुत ही ईजीली बिल्कुल फाइन ग्राइंड हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर अजवाइन का बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार हो चुका है। गैस को दूर करने के लिए अजवाइन के इस पाउडर को आपको एक चम्मच लेना है, जो खाने वाला नॉर्मल चम्मच होता है उसी से एक लेवल करके आपको एक चम्मच लेना है। अजवाइन को खाना खाने के आधे घंटे के बाद हल्के गर्म पानी के साथ लें। आपको गैस बहुत ज़्यादा दिनों से है तो आप इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन यदि गैस की शुरुआत है तो सिर्फ इसे 1 बार लेने से ही आपको गैस की समस्या से आराम मिल जाएगा। अजवाइन के इस पाउडर को सभी एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं। यदि आप इसे 10 साल से छोटे बच्चों को देना चाह रहे हैं तो उनको सिर्फ 1/4 चम्मच ही दें। इस रेमेडी का हेल्थ पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये आपकी गैस को दूर करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखती है। अजवाइन के इस पाउडर को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर पूरे 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। गैस की समस्या से निजात पाने के लिए ये थी मेरी आज की बहुत ही इजी सी रेमेडी। गैस की प्रॉब्लम होने पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फ़ायदा होने पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।